पे हमारे पास एक थ्योरम है, लेट एफ टुगेदर विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बी अ फील्ड। हमारे पास यहाँ पे सेट एफ है और इसके साथ टू ऑपरेशंस है और यह जो स्ट्रक्चर है ये एक फील्ड है। लेट एफ टुगेदर विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बी अ फील्ड, देन फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू एफ, सेट एफ से अगर हम कोई भी मेंबर ले ले तो दिस प्रोडक्ट विल बी जीरो। ये क्या है, दिस इज अ फील्ड सेट एफ का, हर एक मेंबर के लिए अगर हम इसी मल्टीप्लीकेशन को ट्राई कर ले तो ये हमें जीरो देता है। अब इसका हम प्रूफ किस तरह करते हैं, वी नो दैट जीरो प्लस जीरो जीरो, ए जीरो इज द आइडेंटिटी अंडर एडिशन। सेट एफ चूंकि एक फील्ड है, इसका मतलब यह है कि सेट एफ जमा के लिहाज से एबिलियन ग्रुप है, तो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होगा और जीरो जब हम किसी भी अदद के साथ मल्टी ऐड करते हैं तो वही अदद हमें दोबारा मिलता है। सपोज अगर ये जीरो आइडेंटिटी हो तो इसी जीरो को अगर हम इसी मेंबर के साथ ऐड करें तो वही मेंबर हमें दोबारा मिलता है। सो दिस इज अ ट्रू इक्वेशन, ए जीरो इज द आइडेंटिटी अंडर एडिशन। क्योंकि एफ प्लस एबिलियन ग्रुप है, इसमें एडिटिव एंट्री जीरो है, जीरो जब किसी भी अदर एलिमेंट के साथ जब हम ऐड करते हैं तो वही एलिमेंट हमें दोबारा मिलता है। अब इस पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं, इसके साथ अगर हम एक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, इसके साथ जब हम एक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय एक्स। तो यह जो मल्टीप्लीकेशन है इसको हम यहां पे लिखते हैं, यह जो मल्टीप्लीकेशन है इसको हम यहां पे लिखते हैं। अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, एक्स डॉट जीरो प्लस एक्स डॉट जीरो ये आ गया। सो अब इसको हमने यहां पे दोबारा लिखा, इन दोनों को यहां पे हमने दोबारा लिखा, सब्ट्रैक्ट एक्स डॉट जीरो फ्रॉम बोथ साइड। अब दोनों साइड में हम एक्स डॉट जीरो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां पे एक्स डॉट जीरो माइनस एक्स डॉट जीरो ये आपस में कैंसिल होंगे तो हमें जीरो देगा, और राइट साइड में भी एक्स डॉट जीरो माइनस एक्स डॉट जीरो कैंसिल होगा तो जीरो हमें मिलेगा, वही जीरो और एक्स डॉट जीरो आपस में ऐड होके ये हमें देता है जीरो इक्वल एक्स डॉट जीरो। एज मल्टीप्लीकेशन इज कमोटेटिव देयरफॉर वी कैन राइट, क्योंकि हम एक्स डॉट जीरो को लिख सकते हैं जीरो डॉट एक्स और ये जीरो के बराबर है। दिस पार्ट इज इक्वल जीरो यूजिंग कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑन द राइट साइड, सो वी गेट जीरो डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं जीरो डॉट एक्स, दिस इज जीरो डॉट एक्स क्योंकि जीरो है, ये है एक्स डॉट जीरो और ये भी जीरो है। सो दिस इज दी प्रूफ ऑफ दिस शॉर्ट थ्योरम। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर आर है, क्या आर एक फील्ड है कि नहीं, आर हमारे पास एक फील्ड है, यानी जमा के लिहाज से R प्लस इज एबिलियन ग्रुप, और अगर R से हम जीरो निकाल दें तो जरब के लिहाज से फिर ये एक एबिलियन ग्रुप होगा, और R के किसी भी थ्री एलिमेंट्स के लिए लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, इट इज अ फील्ड, यस R इज अ फील्ड। R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C क्या है, यस सी इज अ फील्ड। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया कि ये एक फील्ड है, सी जमा के लिहाज से एबिलियन ग्रुप है, और सी से अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी जीरो निकाल दे तो ये भी एक एबिलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन, और इसमें लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं, लिहाजा सी क्या है, इट इज अ फील्ड। सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू क्या है, क्यू भी हमारे पास एक फील्ड है। सेट ऑफ इंटीजर जेड क्या है, नो जेड इज नॉट अ फील्ड, जेड एक फील्ड नहीं है, क्यों नहीं है, फील्ड के लिए जेड प्लस एबिलियन ग्रुप होना चाहिए और जेड से अगर हम जीरो निकाल दे तो जरब के लिहाज से फिर ये एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी होना चाहिए। अब अगर सेट जेड से हम टू एक मेंबर ले ले तो इसमें वन ओवर टू होना चाहिए, और ये वन ओवर टू क्या है, ये
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें होना चाहिए, पार्ट टू वी मस्ट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, लेकिन ये 1/2 इसमें मौजूद नहीं है। 2 बिलोंग टू जेड बट 1/2 डज नॉट बिलोंग टू जेड, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 एटसेट्रा डज नॉट एग्जिस्ट इन जेड। सेट जेड की हर एक मेंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, लिहाजा सेट जेड एक फील्ड नहीं है। सेट ऑफ नेचर नंबर n क्या है? नाइदर अ ग्रुप नॉर अ फील्ड, ये न तो ग्रुप है और ना ये एक फील्ड है। हर एक फील्ड, एवरी फील्ड मस्ट बी अ ग्रुप अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन प्रोवाइडेड जीरो इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो n क्या है? नाइदर अ ग्रुप नॉर अ फील्ड। n डज नॉट हैव एडिटिव इनवर्स, n में एडिटिव इनवर्स नहीं होता है। अगर n में हम 2 ले ले तो 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है, जो कि इसमें नहीं है। ऑल्सो इट डज नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर, अगर 2 से हम अगर सेट n में हम 2 ले ले तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है, जो कि इसमें नहीं है। इसके अलावा अगर हम 2 ले तो इसका एडिटिव इनवर्स -2 इसमें नहीं है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये न तो एक ग्रुप है और ना ये एक फील्ड है।